नहीं दो दफा ड्राई ना हो बस देख के अच्छे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग जो है वो मुख्तसर सा व्लॉग है, मज़ेदार व्लॉग है और बहुत सारी बातों का व्लॉग है। इस व्लॉग में मैं मोस्टली उन लोगों को एड्रेस करना चाहूँगी जो कि बाहर से पाकिस्तान जाते हैं। यकीन कीजिए, जो टिप्स और जो बातें मैं आपको बताऊँगी, आपको उनको सुन के बहुत मज़ा आएगा। हम लोग, आपको जैसे कि अंदाज़ा होगा ही कि हम मलीर कैंट में ठहरे हुए थे, तो मलीर कैंट अपने ओन पे जो है वो एक छोटा सा शहर है। सब कुछ है उसके अंदर, मज़ेदार सी चीज़ें हैं। मैंने सोचा था कि मलीर कैंट को कैप्चर करके आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन चूँकि थोड़ा सा आर्मी इन्फ्लुएंस्ड एरिया है तो मैंने बहुत सारी पिक्चर्स नहीं ली उसकी, ताकि जगह की सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो अपनी जगह पर बरकरार रहे। हालांकि सिविलियंस यहाँ पे रहते हैं तो आई डोंट नो कितना इन तस्वीरों को शेयर करना अच्छा था या नहीं अच्छा था। तो बहरहाल अपने पार्ट पे मैंने ज़िम्मेदारी निभाई और कोशिश की कि उन सब चीज़ों की पिक्चर्स ना शेयर करूं। लेकिन मलीर कैंट में जो है वो सारी सहूलतें मैसर हैं। किसी भी जगह पे जहां आप रहते हैं, लाहौर में, कराची में, हर जगह पे पास में अब आपको हर तरह की दुकान, हर तरह का ब्रांड, हर तरह का रेस्टोरेंट अवेलेबल है। तो हम जो है वो जा रहे हैं इम्तियाज़ स्टोर, और अगर आप लाहौर में हैं तो वहाँ पे आपको हाइपर स्टार, कैरफोर, इस तरह के जो हैं वो बड़े बड़े से स्टोर्स अब इजीली अवेलेबल हैं। तो जी, जब हम जाते हैं यहाँ से वापस अपने मुल्क, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने प्यारों के पास, तो जाहिर है बिल्कुल दिल चाह रहा होता है कि तरह तरह के तोहफे तहाइफ लेके जाएं। और मुझे तो अब तकरीबन 20 साल होने लगे हैं मुल्क से बाहर रहते हुए, तो मैंने तो सारी उम्र यही काम किया है कि इसके लिए तोहफ़ा ख़रीद और उसके लिए तोहफ़ा ख़रीद। लेकिन ज़ाहिर है ज़िंदगी में एक मुकाम ऐसा भी आता है कि आपको थोड़ी सी अक्ल आनी स्टार्ट हो जाती है, तो शायद मेरा वो मुकाम आ गया। मैंने एक बात नोट की कि हम इतना वज़न उठाते हैं, एक्सेस बैगेज हो जाता है, यहाँ से बहुत सारा ख़र्चा करके चीज़ें लेके पाकिस्तान जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब ये 20 साल पहले वाला पाकिस्तान नहीं है। अब जो है वो पाकिस्तान में दुनिया जहाँ की चीज़ें अवेलेबल हैं, आप जाके देखें स्टोर्स में, और बहुत सारा सामान ऐसा है जो यहाँ पर बहुत आपको महंगा मिलता है लेकिन पाकिस्तान में बहुत सस्ता मिलता है। तो अगर आप मेरी तरह पाकिस्तान जाने के शौकीन हैं, तोहफे ले जाने के शौकीन हैं, एक दफ़ा इस चीज़ को ज़रूर एनालाइज़ कीजिए, इस चीज़ पे ज़रा सा वर्कआउट कीजिए कि आपको तोहफे में क्या ले जाना चाहिए। अगर तो आप खाने पीने की चीज़ें ले जाने के शौकीन हैं जैसे कि मैं हूँ, खूब ढेर बिस्किट्स, चॉकलेट्स और इस तरह की चीज़ें मैं लेके जाती हूँ, और मैंने पाकिस्तान जाके देखा कि हर चीज़ अवेलेबल है, बड़ी ही रीज़नेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है। अगर आपको अपने रिश्तेदारों को, अपने प्यारों को, कोई घर के बच्चों को मज़े मज़े की चीज़ें देनी है तो आप वहाँ से ख़रीद के भी दे सकते हैं। और हर जगह पे जो है वो कोई दो नंबर ही नहीं है, जो कि एक हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि जी अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी या दो नंबर चीज़ मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अच्छे जगह से ख़रीदिए, अच्छे स्टोर से ख़रीदिए, आपको एक नंबर चीज़ ही मिलेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके दो नंबर ऑप्शंस भी साथ में मौजूद होंगे, तो ठीक है, फिर आप वो दो नंबर ऑप्शन मत लीजिए, आप अच्छी वाली चीज़ें ख़रीदें। और ये देखें, ये मेरा फेवरेट स्पॉट है, हालांकि अब मैं इतनी ज़्यादा छालिया सुपारी खाने के काबिल तो नहीं हूँ, दांतों का ख्याल रखना आ गया है वक्त के साथ साथ, लेकिन देख के दिल बड़ा खुश हुआ कि भाई वाह, ये सब माल मसाला ऐसा है कि पाकिस्तान में बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में मिलता है। और सबसे मज़े की बात, आप ये देखिए जो इम्पोर्टेड चॉकलेट है उसकी क्या प्राइस है, और जो लोकल चॉकलेट है उसकी क्या प्राइस है, और इनकी पैकिंग और इनकी फिनिशिंग बिल्कुल वैसी है जैसे बाहर की चॉकलेट्स होती हैं, इवन नाम भी इन्होंने वैसे ही रखे हैं। खैर, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप गिफ्ट में ऐसी चीज़ें दें, आप ज़रूर इनको असली वाली प्रोडक्ट्स ही ख़रीद के दीजिए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि यहाँ से चीज़ें उठा के ले जाना
ऑयल हो गए, सॉसेस हो गए, इनको पैक करना, इनको हिफाजत से ले जाना, ये इतना बड़ा स्ट्रेस होता है जब आप ट्रैवल करते हैं बच्चों के साथ, कि अब मुझे लगता है कि आपने किसी को भी ऐसी कोई चीज़ देनी है तो आप पाकिस्तान से बहुत आराम से ख़रीद के दे सकते हैं, और वो आपकी जेब पे जो है वो काफ़ी हल्का भी रहेगा। क्योंकि जो एक ज़माने में गुमान था कि जी बाहर से चीज़ें हर चीज़ सस्ती मिलती है, तो अब ओवरऑल जिस तरह से प्राइस इंक्रीज़ है, ग्लोबली प्राइस इंक्रीज़ हो गया है, हर जगह पे जो है वो चीज़ें महंगी हैं, हर जगह पे इन्फ्लेशन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से शॉपिंग करनी मच इनएक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री, कि आप बाहर से कुछ भी ख़रीद रहे हैं वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा। इसी तरह से आप ड्राई फ्रूट्स देख लीजिए, मैं एक एक दो दो केजी के बड़े बड़े से बॉक्सेस लेकर गई थी, और वो अच्छे खासे महंगे पड़ते हैं, यहाँ पे टैक्स भी लगता है आपको, $25-26 का अगर एक पड़ रहा है, तो आप देखिए कि वहाँ पे माशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है, हर चीज़ मिल रही है, बड़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिल रही है, तो आप यहाँ से ख़रीद के जो है वो लोगों को गिफ्ट में ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। इसी तरह से कपड़े हैं, आप कपड़े वगैरह ख़रीदते हैं, मोस्टली जो बाहर के ब्रांड्स हैं उनमें मिक्स होता है, क्योंकि हमारा मौसम इतना एक्सट्रीम नहीं है, गर्मी इतनी नहीं होती, तो पाकिस्तान में जो है वो कुछ लोगों को, अनलेस के वो बहुत ब्रांड कॉन्शियस हों, तो आप वहाँ से कपड़े ख़रीद के भी दे सकते हैं, लॉन के सूट लेके दे सकते हैं, काफ़ी रीज़नेबल रहते हैं आपके लिए। हमने पूरी ट्रॉली भर के शॉपिंग की है, बहुत सामान ख़रीदा है, इसमें ड्राई फ्रूट भी हैं, इसमें बच्चों के लिए पता नहीं कौन कौन से रजिस्टर्स भी हैं, और हमारा बिल बना है ये। डेफिनेटली बिल मैं ये नहीं कहूँगी कि कम बिल है, लेकिन जितना सामान हमने ख़रीदा है उसके हिसाब से ये काफ़ी रीज़नेबल और इकोनॉमिकल बिल था। और जी इम्तियाज़ स्टोर से बाहर निकले, मलीर कैंट में ही सारे आपको बाज़ार वगैरह मिल जाते हैं, और यहाँ से निकले तो हमने किसी के घर पे ज़बरदस्त से लंच पे जाना था, और बहुत मज़ेदार लंच था, बहुत शुक्रिया उनका जिन्होंने हमें बुलाया और मज़ेदार सा खाना खिलाया। और जी आप अपने मुल्क में जाएं और इन सब चीज़ों को ढेरों ढेर इन्जॉय करें, शॉपिंग को इन्जॉय करें, खाने को इन्जॉय करें, लोगों से मिलना जुलना इन्जॉय करें। तो बस आखिरी आखिरी दिन है मेरे कराची के, और इन सब चीज़ों को देख के दोबारा एक हूक सी उठ रही है कि दोबारा कब मिलना होगा इन लोगों से। तो जी आज का व्लॉग यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।